आठवां प्रश्न है, साइन 30° माइनस साइन 90° प्लस 2 cos 0° अपान 10 30° 10 60° यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं क्या देखूंगा, अब मैं इसको हल करने के लिए त्रिकोणमिति सारणी देखूंगा। तो देखो त्रिकोणमिति सारणी, इसे हम त्रिकोणमिति सारणी कहते हैं। तो साइन पहले 30° का मान देखेंगे, तो साइन 30° का मान देखो, तो साइन वाला लाइन ये है और ये 30° वाला लाइन ये ऊपर से नीचे की आ रहा है, ये 30° वाला लाइन है। तो साइन 30 का मान देखो, तो ये 30 वाला है, तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन 30 का मान मैं रखूंगा 1/2 रखूंगा, मतलब 1/2 माइनस साइन 90 को देखो, तो साइन वाले लाइन में फिर से देखते हैं, तो ये देखो 90 तक यहाँ पे आ गया, ये 90 और ये साइन का लाइन है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर प्लस यहाँ पे 2 है, फिर कॉस 0 कह रहा है, तो कॉस 0 में देखो, तो ये 0 वाला लाइन है और ये कॉस वाला लाइन है, तो ये 1 जो है ये कॉस 0 का मान रहेगा, तो गुणित 1 लिख दो। नीचे में देखो अपान के नीचे में क्या दिया है, 10 30 और 10 60 दिया है, तो 10 वाले लाइन में देखो ये 30 का है और ये 60 का है, तो यहाँ पे 1/3 करनी 3 गुणित करनी 3, ये करनी 3 नीचे में है और ये ऊपर में, इसलिए ये कट गया। ऊपर के मान अब क्या क्या है देखो, यहाँ पे पहले इसको हल कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। 1/2 माइनस ये 1 है और ये 2 * 1 कितना होगा, 2 * 1 2 हो जाएगा। नीचे में देखो क्या ये दोनों तो कट गया, बचा क्या सिर्फ 1, और 1 को अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस लिखेंगे क्या ऊपर के मान को। तो देखो ऊपर के ये दोनों मान पहले हल कर लेते हैं, 2 में 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 1, ठीक है, कितना बचेगा 1, और यहाँ पे पहले से क्या दिया है 1/2 दिया हुआ है, घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 आ गया। अब यहाँ पे प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, तो बड़ा वाला चिन्ह, बड़ा वाला जो संख्या उसके साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो प्लस यहाँ पे लगा देंगे, इस नीचे वाले जो 1 है इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे हल करो, यहाँ पे देखो कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब नीचे के जो मान है हर बराबर नहीं है, तो हर को बराबर करेंगे। हर बराबर करने का तरीका क्या है, हर बराबर करने का तरीका ये जो 2 दिया है ना नीचे में, जो हर में दिया है मान, उसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और यहाँ पे जो 1 दिया है इस वाले को इसके साथ ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे तो यही मान प्राप्त होगा, ऊपर नीचे 1/2 ही प्राप्त होगा, और 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2 * 1 = 2 और नीचे में भी 2। देखो नीचे का मान बराबर हो गया, तो इसको मैं अब लिख सकता हूँ, सिर्फ 1 बार 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, दोनों को जोड़ देते हैं तो 3/2 आ गया, और यही क्या है इसका आंसर है। आगे देखो तीसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न में सत्यापित कीजिए कह रहा है, ठीक है, तो सत्यापित करना है तो मैं डायरेक्ट आपको प्रश्न बता देता हूँ। प्रश्न क्या है, यहाँ पे साइन 30° है, फिर कॉस 60° दिया हुआ है, प्लस कॉस 30° और साइन दिया हुआ है 60°, इस तरह से दिया हुआ है, और इसके राइट हैंड साइड में 10 दिया हुआ है, 10 का मान 90° दिया है, इसे मैं राइट हैंड साइड कहूंगा और इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड कहूंगा। और इस प्रश्न में सत्यापित करने के लिए कहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो मान प्राप्त होगा वही राइट हैंड साइड में प्राप्त होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तभी क्या है दोनों बराबर होगा। समझ में आ गया, चलो हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लेकर चलते हैं, साथ साथ हल करेंगे। तो साइन 30° का मान कितना है देखते हैं फिर से त्रिकोणमिति सारणी। तो देखो ये रहा साइन और 30° का मान 1/2 है, फिर ये गुणा के रूप में है तो गुणा करेंगे साइन 60 को इसके साथ, तो साइन सॉरी कॉस है ना, तो कॉस 60 में देखो यहाँ पे 1/2 दिया है यहाँ भी, तो 1/2 लिखो, फिर प्लस कॉस 30 दिया है, कॉस 30 में देखो अब ये कॉस 3 करनी 3/2 और गुणित कर दो, और ये इसके साथ क्या है साइन 60 दिया है, तो साइन में देखो 60 में ये रहा करनी 3/2 और इसके बराबर साइड में क्या दिया है मान, तो देखो बराबर साइड में है 10 90 दिया है, 10 90 में देखो, तो 10 का 90° में यहाँ पे इन्फिनिटिव है, क्या दिया हुआ है 10 में इन्फिनिटिव, देखते हैं इन्फिनिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इन्फिनिटी का मतलब होता है अनिर्धारित, क्या होता है अनिर्धारित, तो मैं यहाँ पे इन्फिनिटिव ही रख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या कहूंगा अनिर्धारित भी कहूंगा, तो अनिर्धारित भी लिख सकते हो इसके स्थान पे, दोनों एक ही है। इसको हल करके देखो कि इन्फिनिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चेक करते हैं, तो ऊपर का गुणा करेंगे तो ये दोनों 1 * 1 2 * 2 = 4 प्लस 3 3
करनी के अंदर है ना, तो पूरा 3 बन जाएगा, और 2 दूनी 4, और यहाँ पे क्या दिया है इन्फिनेटिव दूसरे साइड में। यहाँ पे देखो हर क्या है, बराबर है। जब भी कोई मान प्लस या माइनस में रहता है तो आपको उन मानों के ना हल करने से पहले आपको हर को देखना है। हर अगर बराबर है तभी वो जुड़ सकता है या घट सकता है। तो यहाँ पे अभी जुड़ने वाला है, तो हर बराबर है, जिसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि जुड़ने वाला है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे है इन्फिनिटिव, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया, कितना आएगा 1, एक बार में कट गया तो 1 आएगा, और इन्फिनिटिव। देखो क्या दोनों बराबर है, ध्यान दो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इन्फिनिटिव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, ठीक है? इसलिए ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। सत्य और असत्य बताना था, तो ये कथन असत्य है, सिद्ध करके मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखो, तीसरा का दूसरा में दिया हुआ है 1 - 2 sin² 30 अंश दिया हुआ है बराबर cos² 60 अंश दिया हुआ है। इसके भी मानों को देखो, तो यहाँ पे मुझे इसका मान देखना है और इसका मान देखना है। तो देखो sin 30 अंश और cos 60 अंश में देखो, तो sin का ये रहा 30 अंश का मान, 1/2 रखूंगा, और cos में 60 अंश में भी 1/2 ही रखूंगा। तो रखो, तो 1 - 2 * इसका मान भी 1/2 है, और यहाँ पे क्या लगा है वर्ग। राइट हैंड साइड को देखो तो इसका भी मान 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, 1/2 इस तरह से। अब इसको हल करो, तो 1 - 2 * वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, यहाँ पे 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 यहाँ भी प्राप्त हो गया, 2 एकम 2 और 2 1 2 दूनी 4, तो एक बार में ये कट गया, ये 2 बार में कट गया, तो यहाँ पे बचा 1 - 1/2 बचा है, और यहाँ पे 1/4 है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो हर को क्या करेंगे, पहले बराबर करेंगे, तो बराबर कर लो, तो ये जो 2 है ऊपर नीचे दोनों में गुणा होगा, तो 2 एकम 2 एकम, फिर इस 1 का यहाँ पे ऊपर नीचे गुणा होगा, सेम मान प्राप्त होगा, और 1/4 हो गया ये, तो ये आ जाएगा नीचे में। एक बार हम लिखेंगे 2 को, 2 में 1 घटा दें, देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, घट जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे क्या है 1/4 है। देखो दोनों मान बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है, यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 1/4 है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, तो इसलिए कथन क्या है, असत्य है, इसलिए कथन असत्य है, सिद्ध हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न में 2 cos² 45 अंश दिया हुआ है और -1 है बराबर cos में 90 अंश दिया हुआ है, इसको कैसे हल करोगे? सेम प्रक्रिया हल करने का। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक cos में दिया है और एक यहाँ भी cos में दिया है, तो इनके मानों को देखना है मुझे। तो cos में मान यहाँ पे cos 45 है और cos 90 है, 45 और 90 देखो, तो ये 45 है, 1/2 और 90 0 है, तो रखो भाई 90 का मान तो 0 रहेगा, इसका मान कितना रखूंगा, 1/√2 रहेगा, और यहाँ पे वर्ग है तो इसको वर्ग कर दो, फिर -1 और यहाँ पे गुणा हुआ है 2 का इसके साथ, तो 2 * यहाँ पे 1 का वर्ग 1 होगा, और ये अंडर रूट के अंदर है, इसका मतलब ये पूरा 2 बन जाएगा, -1 और बराबर ये रहा 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, यहाँ पे बचा क्या 1 - 1 = 0, इन दोनों को देखो प्लस और एक माइनस है, तो 0 ये हो जाएगा और ये भी 0, तो देखो ये वाला कथन क्या रहेगा, सत्य रहेगा। क्यों सत्य? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के मान क्या है, बराबर आ रहा है, इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है। समझ में आ गया पहला तीसरा प्रश्न। आगे देखो, इसके बाद जो चौथा प्रश्न है उसमें क्या दिया हुआ है, मैं दिखाता हूं 1 मिनट, यहाँ पे चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न में है sin² 45 अंश दिया हुआ है बराबर 1 - cos² 45 अंश दिया हुआ है, ठीक है? इसे आप बना के देखना, सेम है जैसे मैंने बनाया था वैसे ही अगर आप बनाओगे तो ये बन जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा प्रश्न।
पांचवा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखो साइन स्क्वायर 60 अंश दिया हुआ है प्लस कॉस स्क्वायर 60 अंश दिया हुआ है बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पहले से मान 1 दिया है तो मुझे राइट हैंड साइड को ना अलग से लेके चलने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, 1 है, तो स्वाभाविकली है कि राइट हैंड साइड का मान 1 ही प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे इसका मान नहीं दिया है तो इसके मान को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो साइन 60 है और कॉस 60 है, देखो साइन 60 और कॉस में 60 अंश के मान देखो, तो ये 60 अंश साइन में है और कॉस में है, साइन में करने 3/2 और 1/2 कॉस में है तो रख दो, और दोनों में वर्ग है तो ये करने 3/2 आ जाएगा, इसका वर्ग प्लस इसका 1/2 हो जाएगा, इसका भी वर्ग। और ये रहा, यहाँ पे करनी में है तो करनी वाले का जब वर्ग करूंगा तो 3 बन जाएगा और ये 2 है प्लस 1, और ये 2 दूनी 4 रहेगा ना, ये 4 और ये भी 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 1। नीचे के देखो मान क्या है, बराबर है तो इसे मैं एक बार लिखूंगा, ऊपर का मान 3 और 1 4 जुड़ जाएगा और यहाँ पे 1 4 एकम 4 4 एकम 4 कट गया एक बार में, 1 बराबर 1। देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, दोनों मान बराबर है, डेफिनेटली बराबर, इसका मतलब क्या है, कथन सत्य है। ये रहा।